क्वेश्चन फोर बहुत इजी है आपको, क्या है शो रेड वेक्टर ए माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स वेक्टर ए प्लस बी सॉरी ए क्रॉस बी, ये आपको प्रूव करना है. ओके यू हैव टू प्रूव दिस. बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे कीजिए. आपको ए क्रॉस ए मिलेगा प्लस ए क्रॉस बी मिलेगा माइनस बी क्रॉस ए मिलेगा और माइनस बी क्रॉस बी मिलेगा. यू विल गेट दिस. ब्रैकेट जैसे ओपन करते हैं वैसे ही आपको ओपन करने हैं. ए क्रॉस ए प्लस और प्लस है तो ए क्रॉस बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव ए पॉजिटिव तो नेगेटिव बी क्रॉस ए हो गया, और बी नेगेटिव बी पॉजिटिव तो नेगेटिव बी क्रॉस बी हो गया. दिस इज योर वेक्टर जीरो, दिस इज योर वेक्टर जीरो. ओके दिस इज प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी, दिस इज प्लस वेक्टर ए क्रॉस बी. अब देखिए जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. जिसमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये इक्वल नहीं है, इनफैक्ट ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है. तो ये ए क्रॉस बी पॉजिटिव है और ये जो बी क्रॉस ए नेगेटिव है, इसे आप पॉजिटिव कीजिए. इसे पॉजिटिव करोगे तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, यू गेट ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी एंड दिस गिव्स यू टू टाइम्स ए क्रॉस बी, आपको सीधे सीधे ये मिलेगा. ओके यस एनी डाउट? इसके आगे आपने एक्सरसाइज ट्राई किया, किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन सिक्स इजी है. गिवन दैट वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए एंड बी? क्वेश्चन सिक्स में आपको दो बातें दी हुई है, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो एंड वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर. ए डॉट बी आपको जीरो दिया है और ए क्रॉस बी आपको जीरो वेक्टर दिया है. ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी इसलिए जीरो लिखा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी इसलिए जीरो वेक्टर दिया है. ओके दिस इंप्लाइज आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू जीरो और वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, मतलब या तो वेक्टर ए जीरो वेक्टर है या तो वेक्टर बी जीरो वेक्टर है, ये इंप्लाई करेगा. ओके इफ वेक्टर ए इज नॉन जीरो एंड वेक्टर बी इज नॉन जीरो, अगर दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो है ठीक है तो क्या मिलेगा? वेक्टर ए डॉट बी जो जीरो है, दिस विल इंप्लाई वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू जो जीरो वेक्टर है, दिस विल इंप्लाई वेक्टर ए इज कोलिनियर टू वेक्टर बी. डॉट प्रोडक्ट जीरो, अगर दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो है, यदि दोनों वेक्टर्स नॉन जीरो है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है. और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी जीरो वेक्टर आ रहा है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो वेक्टर आ रहा है, मींस दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. कोलिनियर मींस आइदर दे कैन लाई ऑन द सेम लाइन और दे कैन लाई ऑन द पैरेलल लाइन. अब ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है, ये दोनों क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है. क्यों? क्योंकि यदि वेक्टर परपेंडिकुलर है तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से पैरेलल या कोलिनियर नहीं हो सकता है. यदि वेक्टर कोलिनियर या पैरेलल है तो वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब हमारा जो पहला केस है वही सही है. देयरफॉर आइदर वेक्टर ए जीरो वेक्टर और वेक्टर बी जीरो वेक्टर. ओके हमारा पहला केस सही है कि या तो वेक्टर ए जीरो वेक्टर होगा या फिर वेक्टर बी जीरो वेक्टर होगा. ओके यस एनी डाउट? डाउट इन एनी अदर क्वेश्चन? Yes, इस एक्सरसाइज को यदि आपने सॉल्व किया तो किसी और क्वेश्चन में कोई डाउट है? ओके आप में से किस किसने ये एक्सरसाइज सॉल्व किया है?
How many of you have solved the exercise? Priya, Darshan. Okay. Ankita, not all questions. Omkar, yes. Harshal, some questions. ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए हैं उसमें कोई डाउट है? ओके क्वेश्चन फाइव आप लोगों ने सॉल्व किया. क्वेश्चन फाइव है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k. क्वेश्चन फाइव वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन ध्यान रहे ये एमसीक्यू में आ सकता है एक मार्क के लिए, या फिर ये दो मार्क में भी आ सकता है. क्वेश्चन है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू गिवन दैट 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस प्रोडक्ट विथ i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के. दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको जीरो वेक्टर दिया हुआ है. ओके, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको जीरो वेक्टर दिया हुआ है. ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आप तो आपको इसमें वैल्यूज फाइंड करने हैं कि व्हाट वैल्यूज वी कैन गेट. ओके, अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, ठीक है, सबसे पहली बात तो अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर है, मीन्स ये दो वेक्टर्स लीनियर रहेंगे. देयरफॉर These two vectors are collinear. ये दो वेक्टर्स क्या रहेंगे? आपस में कोलिनियर रहेंगे. ओके, अगर ये वेक्टर्स कोलिनियर है तो यहाँ पे i का कोएफिशिएंट देखिए 2 है और वहां i का कोएफिशिएंट 1 है. इसी तरह से यहाँ पे j का कोएफिशिएंट 6 है और वहां पे j का कोएफिशिएंट लैम्डा है, और यहाँ पे k का कोएफिशिएंट 27 है और वहां पे k का कोएफिशिएंट म्यू है. We know that अगर vectors collinear है, means one vector will be scalar multiple of other. एक vector सीधे से दूसरे vector का scalar multiplication हो जाएगा. मतलब इनके जो i, j, k के coefficient से आपस में क्या रहेंगे? Proportional रहेंगे. Okay? तो यहाँ पे i का coefficient 2 है, j का 6 और k का 27. वो सारे ऊपर लिखे हैं मैंने. Second वाले जो है i का coefficient 1, j का coefficient lambda और k का coefficient mu. यहाँ से आप calculate करोगे, तो फिर इन दो part से आपको lambda के लिए 3 मिलेगी. यू विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू 3. लैम्डा इधर आ गया, 2 डिवाइड कर दीजिए. ओके, एंड कंसीडरिंग दिस एंड दिस, मींस 2 बाय 1 इज इक्वल टू 27 बाय म्यू. यहां से आपको म्यू के लिए 27 बाय 2 मिलेगी. ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी है. ये जो आपको क्वेश्चन दिया है क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के लिए आप क्या करते हो? डिटरमिनेंट लेते हो. यू टेक i j k और ये हो गया 2, 6, 27 और ये हो गया 1 लैम्डा म्यू और ये आंसर आ रहा है 0 वेक्टर. ओके, क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे लेते हो? फर्स्ट रो आता है आई जे के, सेकंड रो आता है जो आपको पहला वेक्टर दिया है उसके कंपोनेंट्स, मतलब 2, 6, 27 आ जाएगा, और थर्ड रो दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स, मतलब 1 लैम्डा म्यू. रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट में रिटर्न वैल्यू यदि 0 आ रही है, ओके, रिटर्न वैल्यू यदि 0 आ रही है, इसका मतलब इसके कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आपस में आइडेंटिकल हो सकते हैं. ठीक है, अब ये तो आई जे के है, इसका मतलब आइडेंटिकल पॉइंट यहीं पे आएगा और कहीं आ नहीं सकता है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है. इस 2 को यदि हम कॉमन लेते हैं, वी आर टेकिंग कॉमन 2 यहाँ से, तो ये आई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया, ये हो जाएगा 1, यहाँ से 2 कॉमन निकला 3, यहाँ से 2 कॉमन निकला 27 बाय 2. दिस इज 1, दिस इज लैम्डा, दिस इज म्यू और ये हो गया 0 वेक्टर. अब हम ये कंसीडर करें कि ये दोनों रोज सेम है, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लैम्डा के लिए 3 आ जाएगी, ये देखिए, और म्यू के लिए 27 बाय 2 आएगी, ये देखिए. ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय दिस वे. ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है एक मार्क के लिए,
या फिर 2 मार्क के लिए डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है. ओके, ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन. यस, एनी डाउट?